हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकी की खुशबू। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, दाल तड़का, वो भी अपने देसी स्टाइल में, यानी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो 500 ग्राम चने की दाल जो मैंने भिगो ली थी, 3 बड़े टमाटर मैंने काट लिए हैं, रफली चॉप कर लिए उन्हें, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी मिर्चें, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने ले लिया है और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं सबसे पहले चने की दाल को गला लूंगी और उसके बाद हम लगाएंगे तड़का। पहले जब हम चने की दाल को मैंने कुकर में गलने के लिए रख दिया है, उसमें मैं उतना ही पानी डाल रही हूँ जितना कि उसको गलाने के लिए चाहिए। बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। कटे हुए टमाटर मैंने मिला दिए, कद्दूकस किया हुआ अदरक मैं ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्चें, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और सारे पाउडर मसाले भी मैं मिक्स कर रही हूँ। बस हमें 3 सीटी लगानी है क्योंकि ज्यादा गल जाने से हमारा दाल तड़का जो है खराब हो जाएगा, वो दाल तड़का न रखे दाल ही हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि हमारी जो चने की दाल है वो ज्यादा ना गले। तो 3 सीटी के बाद देखिए हमारे चने की दाल उतनी ही गली है जितनी की हमको चाहिए थी, ज्यादा नहीं गली है। और अब हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, 5 सूखी लाल मिर्चें, 10 लहसुन की कलियां मैंने बारीक काट ली, 4 बड़े चम्मच देसी घी मैंने लिया और एक बड़े प्याज को भी मैंने काट लिया, और यह है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और गार्निशिंग के लिए हरे धनिया के पत्ते। तो आइए दोस्तों लगाते हैं तड़का। सबसे पहले मैंने डाला देसी घी 4 बड़े चम्मच। देसी घी में जब हम तड़का लगाएंगे तो बहुत ज्यादा स्वाद आएगा दोस्तों, या यूं कहिए कि हमारे दाल तड़का का असली स्वाद हमारे देसी घी में ही छुपा हुआ है। तो देसी घी में सबसे पहले हम डालेंगे अपना साबुत जीरा। जीरा जब चटकने लगेगा, हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा, तब हम उसमें अपना बारीक कटा हुआ लहसुन और सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। लहसुन को लाइट ब्राउन करना है, तलना है थोड़ा सा, और मिर्चों को भी थोड़ा डीप कलर का करना है हमें, ताकि उसका टेस्ट जो है हमारी दाल तड़के में बहुत अच्छा आए, बहुत सोना सा टेस्ट आए। और ये देखिए दोस्तों, अब हम मिला रहे हैं प्याज बारीक कटी हुई, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है हमारा देसी दाल तड़का। और प्याज को ब्राउन होने तक हमें तलना है। अब हमारा प्याज ब्राउन हो गया है तो हम ऐड कर रहे हैं अपनी दाल जो हमने गला ली थी और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं सारी चीजों को। बहुत टेस्टी ये दाल तड़का लगता है दोस्तों, एक बार बनाकर जरूर खाइएगा मेरे स्टाइल में, यानी बिहारी स्टाइल में। थोड़ा पानी हमने डाल दिया, जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अपने दाल तड़का की उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। अगर आप पुलाव के साथ या चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा पतला, ग्रेवी थोड़ी पतली रहे, और अगर रोटी के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। अब मैं उसमें गरम मसाला पाउडर मिला दे रही हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला दे रही हूँ। गरम मसाला पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और स्मेल तो लाजवाब आ ही रही है दोस्तों।
आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का दिल चाहेगा और खाने खिलाने का भी दिल चाहेगा। गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दिए हरे धनिया के पत्ते और ये लीजिए हमारा दाल तड़का तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी थी। सारी चीजें डालने के बाद मैंने एक बार ढक दिया था। 2 मिनट ढकने के बाद ये देखिए अब मैं सर्व कर रही हूँ अपना दाल तड़का। सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो गए हैं दोस्तों और हमारा देसी दाल तड़का सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।